हार्ट, लिवर, ब्रेन को फिट रखने की एक जादुई दवा। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हर आदमी ऐसी चीज चाहता है कि उसको ऐसी दवा मिल जाए जिससे वो हार्ट ही नहीं पूरे शरीर को फिट रखे और इसके अलावा उसका ब्रेन शार्प हो, लेकिन ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं है। हाँ, एक चीज है जो आपके हार्ट, लिवर, ब्रेन ही नहीं पूरे शरीर को फिट रख सकती है, वो है एक्सरसाइज। आपने सही सुना है, व्यायाम ही ऐसी चीज है जो आपके हार्ट, लिवर और ब्रेन को ही नहीं पूरे शरीर को फिट रखती है। क्योंकि जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका हार्ट पंप करता है, और पंप करता है तो हार्ट मजबूत होता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम करने से ब्रेन से सेरोटोनिन का जो सीक्रिशन है वो बढ़ता है, इससे आपका फोकस और आपका इसके अलावा क्लियरिटी दोनों ही बढ़ती है। देखा आपने कि ब्रेन भी मजबूत होता है, ब्रेन भी शार्प होगा, क्योंकि जब आप व्यायाम करेंगे तो उसका सीक्रिशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसके अलावा स्ट्रेस कम होता है, आप तनाव से दूर रहते हैं, डिप्रेशन से बचते हैं, एंजाइटी से बचते हैं। नियमित व्यायाम करने से स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल और एड्रेनालिन ये कम होते हैं नियमित व्यायाम से। जब ये कम होंगे तो आपका तनाव स्ट्रेस भी कम होगा, और व्यायाम से हमारा ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, हमारे शरीर में एनर्जी अधिक बढ़ती है, जिससे हम और हमारी थकान भी दूर होती है। लेकिन हाँ, व्यायाम आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये उसके ऊपर है। क्योंकि जब मैं योग की क्लास लेती हूँ तो लगभग सभी स्टूडेंट एक ही बात बोलती हैं कि हमको इससे थकान तो हुई नहीं, हाँ हमारे रोग दूर हुए और हम पूरे दिन आराम से काम कर पाते हैं बिना थके। दिन में हमें लेटना भी नहीं पड़ता, मैं स्वयं भी अपना बता रही हूँ, मैं दिन में नहीं लेटती हूँ, और मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, रात 10 बजे सोती हूँ, जबकि मेरी उम्र 70 साल है। मैं लगातार कुछ न कुछ काम करती रहती हूँ, ऐसे बैठ के अपना समय नहीं गंवाती हूँ, नई नई चीज़ें सीखती हूँ। किसके बल पर? व्यायाम के बल पर। तो मैं आपको इसलिए बोलूँ कि व्यायाम से क्या, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों ही मिलते हैं, और जिससे हर सेल स्वस्थ होगी तो निश्चित रूप से वो पूरा शरीर हमारा स्वस्थ होगा। लेकिन इससे क्या, मसल्स भी स्ट्रांग बनती हैं और फ्लेक्सिबल बनती हैं। मैं योग की बात कर रही हूँ, योग से मसल्स भी बनती है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है। देखिए, योग या कोई भी व्यायाम आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है। अगर वेट लॉस के लिए नहीं, वैसे करना चाहिए फिट रहने के लिए, कि हम फिट रहें। क्योंकि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो 30 मिनट का ही व्यायाम बहुत होता है। लेकिन आपको बता दूं, नियमित व्यायाम करने से आप हृदय रोग से बचते हैं, स्ट्रोक, हाई बीपी, मधुमेह, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसी इसके अलावा अन्य बहुत सी बीमारियां हैं जो आप सिर्फ देखिए, मधुमेह आज की मैंने कहा कितनी, हाई बीपी, मधुमेह और हार्ट, ये तीनों बहुत अधिक है, और आर्थराइटिस भी बहुत अधिक है। तो आप ये देखिए कि एक व्यायाम करने से आप इन सब बीमारियों से बच जाते हैं। बचते ही नहीं हैं, आप फिट रहते हैं, सबसे बड़ी बात। और देखिए, कभी कभी हम कुछ ज़्यादा खा लें तो हमारे अंदर गिल्ट होती है, अरे आज हमने ज़्यादा खा लिया तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप व्यायाम करते हैं और कभी कदा कुछ हो जाए तो गिल्ट भी नहीं होती, क्योंकि मालूम है वजन नहीं बढ़ेगा, आप व्यायाम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो आपको 60 मिनट करना चाहिए, क्योंकि वेट लॉस तो तभी होगा, लेकिन वो डाइट के संग तो सभी कुछ संभव है। लेकिन अगर आप फिट रहने के लिए कर रहे हैं तो केवल 30 मिनट बहुत है, जिसमें 10 से 15 मिनट की फास्ट वॉक, और मैं बोलूँगी 15 मिनट आप अपना योग को दीजिए, जिसमें 5 मिनट कम से कम सूर्य नमस्कार, और उसके अलावा आप चाहे प्राणायाम कर रहे हो चाहे अन्य अभ्यास कर रहे हो, करिए, करके देखिए, आप निश्चित रूप से फिट रहेंगे। फिट रहने के लिए बहुत सी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आहार,
थोड़ी सी नींद और बाकी व्यायाम अपने आप कर लेगा। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और मैंने जैसे बोला, व्यायाम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। रोग आ गया है तो रोग दूर करने के लिए, और रोग नहीं आया तो रोग आए ही नहीं। तो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ने वाले सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें और शेयर अधिक से अधिक कीजिए ताकि लोग व्यायाम के प्रति जागृत हों। नमस्कार, धन्यवाद।